तो आप देख रहे हैं ना सामने में, आपके सामने क्या दिख रहा है, पटना जू, यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि बहुत ही अमेजिंग जू है पटना का, बहुत अमेजिंग। हेलो गाइस, दिस इज़ पीयूष आनंद एंड यू आर वाचिंग माय ब्लॉग। और आप ये देख रहे हैं, ये पहला हमारा एक्सपीरियंस है जू का, संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में स्थित है। आपको अंदर लेके चलेंगे और भी बहुत सारे चीज़ों से मिलवाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर है, बहुत अमेजिंग सा चीज़ है देखने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए। इंसान लोग सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, इतना सारा चीज़ है देखने के लिए, ठीक है। चलिए चलते अंदर। तो पहला चीज़ ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये है वेलकम, वेलकम बोनस। अरे वेलकम बोनस यानी कि यहाँ पर वेलकम कितना अच्छा सुंदर तरीके से लिखा हुआ पड़ा है, अमेजिंग है। ये है चारों साइड वातावरण, पेड़ पौधे से भरा वातावरण, मज़ा आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मज़ा को। ओहो, एंट्री के साथ ही मज़ा आ गया। देखिए टॉय ट्रेन, इसी से लोग बैठ के आराम से जू का मज़ा उठाते हैं। और हम जा रहे हैं लेपर्ड के पास। ये लेपर्ड का तहखाना है, या फिर यह कह सकते हैं पिंजरा। ये लेपर्ड का पुर्जा पत्री, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। ये इतना फीट उतना फीट का होता है, 2-3 फीट का होता है। और ये आप देख सकते हैं पिंजरे के अंदर लेपर्ड ऊंचाई पे बैठा हुआ है। एक्चुअली नीचे रहना बहुत ही कम पसंद करते हैं, ऊँचाई पर ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, ये रहे लेपर्ड। अच्छा लगा ना? एक्चुअली गाइज, ये जू जो है बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे जानवर यहाँ पर हैं। और ये है गोरिल्ला, गोरिल्ला का पीछे पिक्चर देख सकते हैं। और ये रहा छोटा सा पिक्चर में गोरिल्ला, छोटा सा फ्रेम में आपको दिखाते हैं, थोड़ा क्लोज करके, क्लोज शॉट है गोरिल्ला का। और थोड़ा सा हम इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। चल भाई जूम हो जा थोड़ा, देखिए ये रहा गोरिल्ला। दो गोरिल्ला है, मेल फीमेल दो गोरिल्ला। उसका रीज़न है, ये इतना बड़ा जगह में ये रहता है और लोग आराम से दूर से इसको हाय हेलो बाय कहते हैं। और मिलते हैं चलिए वल्चर से। ये रहा आपके सामने वल्चर, जो कि बहुत ही अमेजिंग पक्षी है। एक्चुअली ये ऊंचाई में रहना पसंद करते हैं। और आप देखे होंगे, जानते होंगे वल्चर के बारे में, कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे में उड़ना पसंद करते हैं। इनसे ज़्यादा ऊंचा कोई उड़ता ही नहीं, कोई ऐसा पक्षी ही नहीं इनसे ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ता हो। बहुत ही बड़ा वल्चर है, आप अभी देख ही सकते हैं। ये अभी भी पेड़ पे बैठा हुआ है, आधे कटे पेड़ पे बैठा हुआ, ऊंचाई पे अब भी बैठा हुआ, ऊंचा पे रहना ये भी पसंद करते हैं। और ये अब देख सकते कान खुजलाते हुए। और अभी चलिए चलते हैं यहाँ। अरे भाई सेल्फी तो ले लो। अरे ये तो रहा सेल्फी भाई। गाइस ये आप देख सकते हैं कि ये है पुराना हवेली शेर का। हवेली यानी कहने का मतलब पिंजरा, जहाँ पर शेर रहा करते थे। और इनका ये डेन है, आप देख सकते हैं डेन। और यहीं पर शेर रहा करते थे पहले, और यहाँ से उठा के कहीं दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया गया शेर को। चलिए अब वहाँ पर मिलते हैं आपको शेर के साथ। ये शेर, अरे भाई ये तो बड़ा एक नक्शा बनाया गया, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यार। रियल वाला शेर लगने लगा था हमको यार। वर्चुअल से मिल लिए तो रियल के पास जाएं, नकली छोड़ो असली देख के वीडियो आगे बढ़ाएं। तो गाइज आपके सामने जो दिख रहा है, ये है शेर का पिंजरा। और ये रहा वर्चुअल शेर, उसका पुर्जा पत्री आप देख सकते हैं। तो गाइज शेर ये रहा आपके सामने, देख सकते हैं आप शेर को, बड़ा ही अलग ही मुद्रा में है ना यार। मुद्रा छोड़ो, इसको देखो शेर को, कितना दुबड़ाया हुआ शेर यार। ये तो लगता है सिंह इज ब्लिंक का शेर है यार। उस मूवी में आया था अफ्रीका से पैदल कि नहीं आया था वो तो पता नहीं शेर का, पर इस जगह तो जरूर आया लगता है अफ्रीका से पैदल। बहुत ही ज़्यादा दुबड़ाया हुआ शेर है यार। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पेयजल, निःशुल्क पेयजल की सेवा दी गई है। यहाँ पर आप आराम से ठंडी ठंडे पेयजल का आनंद लीजिए और आराम से जू घूम लीजिए। अरे भाई पानी पी लिया है तो चले घूमने के लिए। ये रहा बाघ आपके सामने, टाइगर और टाइगर का पुर्जा पत्री। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये है बाघ जो कि अपना जॉगिंग करते हुए अभी। और अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत मून वॉक करते हुए टाइगर। नहीं दिख रहा अद्भुत क्या? तो दोस्तों अब बात करते हैं वाइट टाइगर के बारे में। ये रहा वाइट टाइगर का पुर्जा पत्री। और वाइट टाइगर है तो है कहाँ, जिसको खोजा गली गली वो कहाँ मिली, कहाँ मिली, कहाँ मिली। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये तो यहाँ मिली। देखिए आप देख सकते हैं बम्बू के नीचे टाइगर, बड़ा ही लगता है डरपोक सा शेर है ना। चलिए इसको थोड़ा जूम करके थोड़ा सा इसको फोकस मारते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा वाइट टाइगर इन फोकस मोड,
देख सकते हैं वाइट वाइट टाइगर। तो अब चलते हैं ऑस्ट्रिच के पास। ये रहा ऑस्ट्रिच। ओहो, हम ही से लगता है मिलने आया है ऑस्ट्रिच, क्या बात है। हेलो हाय ऑस्ट्रिच भाई, क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा यार ऑस्ट्रिच है यार, हम लोग कितना हाइट का है देख सकते हैं, एकदम फोटो सामने सामने ले रहे हैं, गजब है ना ऑस्ट्रिच, क्या बात है। नहीं मज़ा आया ना जाते हुए ऑस्ट्रिच। यार ये ऑस्ट्रिच तो चला गया, अब हम लोग ही चलते हैं। ये रहा बियर। अरे बियर कहाँ दिख रहा है, बियर काला बियर, अच्छा अच्छा बियर दिख गया। और ये आपके सामने काला छोटा मोटा बियर अपना भोजन ढूंढते हुए, सुबह का नाश्ता ढूंढते हुए, इनको नाश्ता मिल नहीं रहा है, शायद इन लोगों ने दिया नहीं है इसलिए अपना भोजन ढूंढते हुए। एक बियर दिखा अब तक में, दूसरा बियर की तलाश में हम लोग ढूंढते हैं, दूसरा बियर है तो है कहाँ। गाइज खोज सफल रही, दूसरा बियर हम लोग को मिल गया। आप देख सकते हैं आपके सामने दूसरा बियर, देखिए अब एकदम दिख रहा है दूसरा बियर, छोटा सा मोटा सा बैठा हुआ है, देखिए नीचे में बैठ के कुछ कुछ चबा रहा है, खा रहा है, अपना भोजन पचा रहा है। जैसा कि इंसानों में होता है, इंसान इंसान पर डिपेंड करता है उसका नेचर, उसी तरह भालू में होता है। ये अलग भालू और ये अलग भालू आपको देख सकते हैं, खुद ही देखिए भालू को, ये दूसरे तरह का भालू है। और आप देखिएगा ये थोड़ा अलग ही नेचर का होगा मे बी, इसलिए इनको अलग रखा जा रहा है, कुछ अलग ही तरह का इनका नेचर होगा। चले हम इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जूम हो जा भाई। ये रहा जूम होके भालू, ये अलग ही मज़ा ले रहा है, सो के मज़ा ले रहा है। ठीक है यार, हम लोग चलते चलते शुतुरमुर्ग के पास आ गए। ये रहा शुतुरमुर्ग, 130 केजी तक हो सकता है शुतुरमुर्ग आपके सामने। ये शुतुरमुर्ग अपना काम करते हुए, उनका पुर्जा पत्री। और इस शुतुरमुर्ग देखिए खाना वाना खा रहा है, इनको लगता है खाना दिया गया इसलिए हैप्पी दिख रहे ये शुतुरमुर्ग। ये आंटी उनको कुछ देने की कोशिश प्रयास कर रही है, यार दिया मत करो, ऐसे ऐसे काम मत किया करो। बात ये होता है ना कि कोई जानवर क्या खाना चाहता है, क्या उनको देना चाहिए, वो उन्हीं लोग को पता रहता है जो उनको बराबर दिया करते हैं। तो ऐसे ऐसे काम अगर करेंगे तो उनके जान पर बन आएगी, इसलिए ऐसा नहीं करने मना कर किया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है। ठीक है गाइज, यहाँ पर कई तरह के पक्षी रहते हैं, उसमें से एक इमू भी है। आप देख सकते हैं ये आपके सामने इमू रहा, और दो इमू है यहाँ पर, ये देख लीजिए इमू, आगे पीछे भी इमू है। और ये दूसरा पक्षी है गोल्डन फीजेंट, बहुत ही अमेजिंग बर्ड, आप देख सकते हैं बड़ा है, अमेजिंग सुंदर तरह का दिख रहा है, एकदम गोल्डन लिटरली जो नाम है उस तरह का ये पक्षी भी है, बड़ा ही प्यारा सा दिख रहा है देख सकते हैं आप। गाइज यहाँ पर कई तरह के फीजेंट मिलेंगे, उसमें से एक ये भी है सिल्वर फीजेंट, फीजेंट यहाँ कई तरह के फीजेंट मिलेंगे, सिल्वर फीजेंट के नाम से ये जाना जाता है। ये अद्भुत पक्षी बड़ा है, अच्छा दिख रहा है ना, अद्भुत देख सकते हैं सिल्वर फीजेंट के नाम से। और ये भी एक तरह का फीजेंट है, इसका नाम दिया गया लिटरली नहीं है इसलिए हम बता नहीं सकते। तो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही अमेजिंग सा पक्षी है, आपने इसकी मूवी भी देखी होगी, आप इस मूवी का नाम है कॉकटेल। हाँ वो कॉकटेल थोड़ा सा अलग स्पेलिंग था, पर स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, पर वह है तो कॉकटेल ही है एक्चुअली, इसी से इंस्पायर्ड किया गया होगा मे बी इस मूवी का। ठीक है अब देखते हैं, चलते हैं काकातुआ। काकातुआ ये रहा, आपको शायद नहीं दिख पा रहा हो पर ये बहुत ही ज़्यादा अंदर, मुझे भी नहीं दिख पा रहा ऑलरेडी, पर देखें कोशिश करते हैं ये चले 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 क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज लेने के बाद ये आया है, बहुत ज़्यादा मतलब साई नेचर है ये काकातुआ, पर है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ये है। ठीक है या फिर फिंच जेबड़ा देखिए, ये तो बहुत छोटा छोटा पक्षी है, बहुत ही ज़्यादा छोटा पक्षी है ये पक्षी है एक्चुअली। जेबड़ा जो होता है एक जानवर होता है, एक बहुत बड़ा जानवर होता है, एक लात मार दे तो इंसान का हालत ख़राब कर दे, पर ये एक छोटा सा पक्षी है, फिंच जेबड़ा का नाम इसका दिया गया है। हाँ ये देखने लायक चीज़ है आड़ो मकाओ, मकाओ आप नाम सुने हुए, एक तोता का एक बहुत बड़ा प्रजाति है, आप देख सकते हैं अंदर, चलिए दिखाते हैं आपको अंदर, आपको अंदर नहीं दिख रहा है, चलिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अंदर, दिखा आपको अंदर, हाँ आप शायद आपको दिख पा रहा होगा, मतलब शीशा का अंदर है इसलिए शायद आपको उतना क्लियर नहीं, पर एक ओवरऑल आइडिया चली गया होगा कैसा है मकाओ, बड़ा ही शांत है यार, पर चलो जो भी है सोया हुआ लग रहा है भाई, आँख वाँख बंद है, चलो चलते हैं नेक्स्ट मकाओ पे। ये एस्पिक्स ये कलरफुल मकाओ, ये आप देख सकते हैं ये कलरफुल मकाओ बहुत ही अमेजिंग है यार, इतना क्लोज आया हुआ, ओहो हो अरे एकदम फुल्ली तोता की तरह है एकदम, क्या अमेजिंग सा तोता है यार, वाह मकाओ, अरे तुम पीछे तो आओ, देखो मकाओ सब हम लोग से मिलने आ रहा है। मैं ना जो कि हमारे घर पे
बखूबी पाया जाता है, बहुत ही अमेजिंग होता है। थोड़ा सा उसकी आँख पर देखिएगा तो आँख पर उसका पीला पीला सा एक झाड़ी सा बना रहता है, बहुत ही अमेजिंग होता है। उसी प्रकार एक ये पहाड़ी मैना है, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग ये भी दिख रहा है। उसका चोच देखिए, ये है ऑरेंज टाइप का और उसका जो पैर है वो पीला है ना, आपको शायद दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं न्यू काकातुआ। ओहो काकातुआ ये थोड़ा वाइट है, बाप रे चिल्लाड़ा यार, बड़ा भयानक है ना, बड़ा भयानक है यार। ओहो हो पर देखने में ये भी बहुत अमेजिंग है। वाइट एक शांति का प्रतीक होता है और ये लगता है शांति का खिलाफ है, इसलिए इतना चिल्ला रहा है, बस चिल्लाते जा रहा है। देख सकते हैं ये, इसका नाम है देसी गणेश। अभी आपको मैंने दिखाया था ना देसी गणेश, उसका ये दूसरा वाला वर्ज़न है, मतलब वर्ज़न क्या कहें, ये थोड़ा सा अलग ही कलरफुल गणेश है। ठीक है सब घूम रहा है। ओहो हो क्या बात है, अमेजिंग है ना। ये रहा देसी गणेश, देखिए क्या क्या करतब करते हुए दिख रहा है आपको। इसका चोच देखिए, ओ हो 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 कितना बड़ा है। ये रहा पीजेंट सिल्वर का बहुत क्लोज, देख सकते हैं बहुत अमेजिंग है। फिजेंट, गोल्डन फिजेंट, ओहो हो गोल्डन फिजेंट, थोड़ा क्लोज चलते हैं इसके। चलो भाई क्लोज, चलो 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 देख रहे हैं। अब दिखा कि नहीं गोल्डन फिजेंट, गोल्डन तो नहीं पर सही है यार, बहुत अमेजिंग लग रहा है ना गोल्डन फिजेंट यार। धूप में आपके लिए देखिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं आप, एक लाइक करके आप अपना मेहनत दिखाइए इस वीडियो पे, एक लाइक तो कीजिए एटलीस्ट। बाकी भाई चलते हैं नेक्स्ट, गोल्डन फिजेंट। ये गोल्डन फिजेंट ये देखने में लग रहा है, ये दूसरा वाला गोल्डन फिजेंट है, ये भी गोल्डन फिजेंट ही है पर देखिए इसका देखने में लग रहा है गोल्डन फिजेंट है एक्चुअली में। ठीक है ये चिल जो है उसमें से एक बहुत ही अमेजिंग सा है, ये आपको आपके गांव घर में बराबर दिख जाया करता होगा। गांव घर में कई के वैसे शहर में तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेयर हो जाती है, पर ये गांव घर में बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। पर अगर आप जू में आते हैं तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, चील। थोड़ा छोटा है, आपको मैंने वल्चर दिखाया था, वल्चर गिद्ध जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उससे थोड़ा छोटा ये चील होता है, छोटा सा। ठीक है हाँ कौआ से ज़रूर बड़ा होता है ये चील। देखो आपको दिखा कि नहीं बटरस्टर टीजा, लाइव दिखा रहे हैं आपको बटरस्टर टीजा, खाओगे पिज्जा। देखिए आपको शायद अब दिख पा रहा होगा, ये रहा मकाओ। मकाओ छोड़ो यार ये तो पैरोट है, चलो सीधा सीधी सिंपल पैरोट लिख देते, इतना खतरनाक सा नाम लिख के क्या ही इल्यूजन करना। चलिए अंततः हम लोगों ने बहुत सारे बर्ड्स को देखा, अब चलते हैं कछुआ के पास। चीज़ें दी गई है यहाँ पर, स्टार कछुआ भारत श्रीलंका दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में मिली जाती है। चले अंदर चलते हैं। ये रहा कछुआ, ओहो हो देखे कछुआ, छोटा छोटा सा है। इसके ऊपर का जो सेल है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, आपको पता ही होगा इतना चीज़ें। देखिए आपको देखने में लग रहा हो बहुत अमेजिंग है यार, मैंने बस आपको दिखाया है वीडियो में पर आपको देखना चाहिए रियल में आके, आप यहाँ विजिट कीजिए बहुत मज़ा आएगा। ये उसका घर है, देखिए कई कछुए यहाँ पर मौजूद मिलेंगे आपको। कितना धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे आहिस्ते 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 जा रहा है, आ रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ये छोटा सा कछुआ कितना आहिस्ते आहिस्ते चलते जा रहा है पर लास्टली रेस जीत गया। ओ हो हो चलिए अंततः अब हम चल आए हैं कुछ और जानवर के पास। ये देख सकते हैं आप जानवर देख रहे होंगे केज के अंदर है ना, जाल के अंदर एक जानवर सा दिख रहा है। ये हिरन भी नहीं है यार, ये क्या है, गधा भी नहीं है, कुछ भी अलग ही तरह का प्रजाति लग रहा है, क्रॉस ब्रीड टाइप का। कुछ लिखा हुआ खास है नहीं यहाँ पर, हमको पता नहीं है क्या चीज़ है पर है बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है यार, ये गधा हिरन का कम्बिनेशन लग रहा है एक तरह से। अच्छा अब समझ में आया, ये तो नील गाय है, नील गाय आपको मैंने दिखाया था अभी जस्ट जो वीडियो ये जो देख रहे हैं, ये है नील गाय। कौन गाय, नील गाय, चीतल। ओहो हो ये चीतल है, लग रहा है हिरन भूतनी के। उधर दिखाओ ये छोटा सा नन्हा सा चीतल आपके सामने प्रस्तुत है। चीतल चीतल चीतल, लॉट्स ऑफ चीतल आर देयर। जैसे कि आप देख रहे हैं जेबड़ा, जेबड़ा के कुछ फीचर दिए गए हैं पर जेबड़ा बहुत ही ज़्यादा दूर है, अपना पिछवाड़ा दिखाते हो अपना कुछ खा रहा है। अरे ओ जेबड़ा भाई इधर तो आई, खाली पूछ हिलाई भाई। जेबड़ा तो अपना अलग ही बिजी है, छोड़ दो यार रहने दो, चलो चल चला जाए यार। ओ गेंदा
हिप्पोपोटामस, ये है रहा हिप्पोपोटामस। चलिए आपको उससे एकदम लाइव रूबरू करवाते हैं हिप्पोपोटामस से। उत्तरी का ये कहाँ गया? ओहो डुबकी मार रहा है साला। हम सुबह नहा के निकले थे, नहाइए रहा अब तक। लिटरली बात यही है कि इन लोग को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा मोटे चमड़े होते हैं, शायद यही कारण ये पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ये हिप्पोपोटामस। कोशिश तो हमारी पूरी है कि हिप्पोपोटामस को दिखा दिया जाए, पर ये तो निकले तब तो दिखाएं कुछ, निकलवे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम। ओहो अब खाना खाने की और हम लोग कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि सामने में है कैंटीन, और कैंटीन चला जाए कुछ खाते पीते, उसके बाद फिर घूमेंगे यार, मज़ा आएगा। चलो चलते भाई, चल भाई चल रहे हैं कैंटीन 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 कैंटीन। भाई भूख लग गया मेरे को भी। ओहो तो दोस्तों अब आ गए हैं सांभर के पास। इडली सांभर नहीं, ये सांभर एक जानवर का नाम है, जिस ये कुछ डियर के टाइप का होता है, मतलब हिरन, हिरन की तरह होता है। ये देखिए ये संघाई हिरन, ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा संघाई हिरन। देखिए सोया हुआ है, कुछ रोया हुआ है यार, इसमें तो बारा सिंघा इंक्लूडेड है संघाई हिरन के साथ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। हमने ये देखा वो देखा, पर ये नहीं देखा तो क्या देखा? यस गाइज, अगर आपने ये नहीं देखा तो क्या देखा? लिटरली इस जगह पर, इस जू में सबसे अच्छा देखने लायक है तो है लंगूर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही लंगूर दिख रहे हैं, कुछ क्या एक ही दो लंगूर दिख रहे हैं, बाकी सब सारे सारे अंदर हैं। इतना गर्मी जो पड़ रहा है यार। चल भाई यहाँ आना सफल रहा है, देख रहे हैं आप, आपके सामने बिल्कुल दिख रहा होगा छोटा सा लंगूर, शायद इसको प्यास लगी, ये प्यास बुझाने नदी के किनारे जा रहा है, नदी या फिर कहें ये पानी का स्रोत। ये देखिए प्यास बुझाते हुए लंगूर। चलिए अब चलते हैं दूसरे एनिमल, दूसरे जानवर के पास, जो कि बहुत ही अच्छा देखने लायक है और भी। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या सुंदर। देखिए एरोप्लेन है, इसी एरोप्लेन से हम लोग जाएंगे स्विट्जरलैंड। चलेंगे आप? अरे यार मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा यूनिक सा एरोप्लेन बनाया हुआ है, मतलब देखने लायक यूनिक पीस एक तरह से। जानवर देखते देखते पता नहीं बीच में एरोप्लेन सा सीन आगे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना। और गाइज ये एरोप्लेन जो यहाँ पर एक्चुअली लगाया भी गया है सेल्फी पॉइंट के लिए, मतलब लोग आए यहाँ पर सेल्फी ले ले के पोस्ट करें और बताएं जू के बारे में कि यहाँ एक बहुत ही अच्छा जू है, यहीं पर हमने लिया है सेल्फी। क्या बात है। अब चला जाए दूसरे जगह पे, दूसरा चीज़ देखने। तो गाइज दूसरी चीज़ का तो पता नहीं, पर हमारे सामने अप्रतिम हनुमान जी का बहुत ही अमेजिंग मंदिर है, जो कि बीचों बीच लगता है, जो कि बीचों बीच बना है, और चारों साइड हरियाली हरियाली एंड पेड़ ऑल साइड, मज़ा आ जाता है लिटरली। यहाँ बैठ के अमन शांति की ज़िंदगी अब जी सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं मगरमच्छ से मिलने, ये जगह है उसका, ये इलाका उसका, यहीं पर मगरमच्छ बैठा करते अपने व्यूअर को दिखा करते। अब देख सकते हैं यहाँ पर से आपको मगरमच्छ मगरमच्छ ही दिखेगा। तो गाइज ये सिंगल मगरमच्छ आपको जो बड़ा वाला दिख रहा हो, बाकी बहुत सारे मगरमच्छ यहाँ पर पड़े पड़े हैं। ये है मगरमच्छ का इलाका, तो मगरमच्छ तो ऑब्वियस बात है रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर लोग कई सारे देख रहे हैं इस मगरमच्छ को। तो गाइज आप भी देखो इस मगरमच्छ को, और साथ ही साथ जो लाइक सब्सक्राइब शेयर है ये सब भी कर दिया करो हमारे वीडियोस पे। वैसे यहाँ पर कई तरह के प्रजाति है, कई तरह के जीव है, कई तरह के मॉन्स्टर है, कई तरह के यहाँ पर एनिमल्स है, कई तरह के बर्ड्स है, कई तरह के फिशेज हैं, पर मैं आपको क्या क्या एक वीडियो में दिखाऊँ, बहुत वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा सब्र करके बैठिए। जरा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ये रहा आपके सामने बड़ा वाला मछली, इसके अंदर छोटा 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 लिविंग मछली, मतलब जीवित मछली, जो कि बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको बहुत मस्त मस्त चीज़, फिर आके वापस दूसरे जगह चले गए। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.
गाइज यहाँ पर कई सारे मछली हैं, इन्हें फ्राई करके नहीं खाना है, इन्हें जाना है, देख के आना है और मज़ा लुफ्त उठाना है। बस ये इतना सारा मछली है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये रहा मछली का द्वार, और हम यहाँ से निकलेंगे और चले गए एकदम प्लेन से, लैंड करेंगे दूसरा जगह और देखेंगे पीकॉक। ये रहा आपके सामने वाइट पीकॉक, अपना पंख फैलाए, बहुत ही अमेजिंग, मज़ा आ गया लिटरली देख के, आपको रियलिटी में जाके सामने से देखना चाहिए। और ये अपना पंख फैला के निकल लेगा पीकॉक। चलो ठीक है, पीकॉक से तो मिल ही लिया, अब हम भी चलते हैं दूसरा जगह। और ये रहा आपके सामने पंचमुखी नाग का दुकान, मतलब उनका घर, उनका मकान। ये आप देख सकते हैं आपके बगल में एक लंगूर, और ये दूसरा लंगूर, और तीसरा लंगूर बगल में, लंगूर नहीं ये डायनासोर है एक्चुअली भाई। और ये रहा गेट, और इसी गेट से हम लोग एंट्री मारेंगे और चलेंगे नाग बाबा के पास, यानी कि सांपों से मिलेंगे, गुफ्तगू करेंगे। ये रहे नाग बाबा, यानी ये है पाइथन। भाई गजब बवाल का है भाई जिराफ, इतने लंबे लंबे गर्दन वाले जिराफ। देखिए भैया यहाँ पर कई सारे जिराफ है, दो जिराफ तो इधर, दो जिराफ उधर, मतलब टोटल चार जिराफ, मे बी पांच भी हो सकते हैं यार, अंदर अंदर घुसे होंगे। और ये गजब के जिराफ यार, बहुत ज़्यादा लंबे है, कितनों लंबे इंसान क्यों ना हो, इनसे तो ज़्यादा लंबे हो ही नहीं सकते, ये तो फैक्ट है। देख सकते इनका घर भी कितना ज़्यादा ऊँचा है यार। और भैया इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनका भाई छोटू जो है आपसे कई ज़्यादा गुना बड़ा होगा लिटरली, आप देख सकते हैं। वैसे आप आके देखो ज़्यादा आपको लिटरली पता चलेगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स कमेंट टाइम, प्लीज शेयर योर रिव्यूज इन कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। बाय बाय।